गाइज मधुमक्खी के छत्ता यानी कि मधुमक्खी एक पेड़ से छोड़कर दूसरे पेड़ पर क्यों जाकर लग जाती है, उस पेड़ से क्यों हट जाती है। आप वीडियो के अंत तक बन रहे, आपको सारे मालूम चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। क्या आप जानते हैं जो मच्छर होता है वह एक मिनट के अंदर कितने बार यानी कि कितने बार अपने पंख को फड़फड़ा यानी कि पंख को चला सकते हैं। एक मिनट के अंदर मच्छर 500 बार अपने पंखों को यानी कि पंखों को चला सकता है। क्या आप जानते हैं मच्छर पृथ्वी पर कितने प्रकार के हैं यानी कि उनके प्रजातियाँ कितने प्रकार के हैं, विभिन्न प्रकार के मच्छर जो कि मच्छर कहे जाते हैं कितने प्रकार के पृथ्वी पर, छोटे बड़े सब प्रकार के होते हैं, लेकिन 3500 प्रकार के मच्छर के प्रजाति या पृथ्वी यानी कि पूरे दुनिया में है 3500 प्रकार के मच्छर है। आप जानते हैं जो मच्छर होता है वहाँ पृथ्वी पर कितने यानी कि कितने वर्ष पहले ही आ चुके हैं, हम लोग बाद में है मनुष्य लेकिन मच्छर पहले से ही अवेलेबल है पृथ्वी पर, वह कितने दिन पहले से, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 20 यानी कि 20 करोड़ पूर्व से ही पहले से ही मच्छर पृथ्वी पर आ चुका है, हम लोग बाद में है मनुष्य बाद में आया हुआ है। क्या आप जानते हैं जो मकड़ी होता है वह पानी पर चल सकता है जैसे कि मनुष्य पृथ्वी पर चलता है, वह कभी किसी समय वह पानी पर नहीं डूब सकता है, ऐसा क्यों होता है, वह क्यों नहीं डूबता है, क्यों, क्या वह हल्का वजन के चलते है? नहीं, वह हल्का वजन है, उसके जो पैर होते हैं वह पैर पर अपने सारे वजनों को देते हैं जिसके सरफेस टेंशन के कारण पूरे अपने बल को सभी पैरों पर देने के कारण वह नहीं डूब पाते हैं और सारे पैरों पर उसका बल जो होता है बटा जाता है जिसके कारण नहीं डूब पाता है मकड़ी। क्या आप जानते हैं काले कलर का बिल्ली कहाँ लक्की माना जाता है यानी किस देश में लक्की माना जाता है? भारत ऐसा देश है जहाँ पर अधिकतर लोगों ने काले बिल्ली के बारे में बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन एक ऐसा देश है जैसे कि जापान, जापान में काली बिल्लियों को लक्की मानता है भविष्य यानी कि आपके पास अगर काली बिल्ली है तो आपको कहा कि आप बहुत लक्की व्यक्ति हैं क्योंकि वहाँ पर काले बिल्लियों बहुत कम ही मिलते हैं, इसलिए कहा था कि आप लक्की व्यक्ति हैं आपके पास काली बिल्लियाँ हैं। आप जानते हैं जो कि बिल्ली कैट होता है उससे स्वाद यानी कि मिठास का पता चलता है, उससे मिठास का पता ही नहीं चलता है कि कितने प्रकार के यानी कि जो दूध रखे हुए हैं मिल्क उसमें कितने शुगर है यानी चीनी है, उसे पता ही नहीं चलता है, केवल उससे पता चलता है कि यहाँ दूध है इसका टेस्ट अच्छा है लेकिन चीनी कितना मात्रा में है उसे मिठास का पता ही नहीं चलता है बिल्ली का। आप हम लोग जानते हैं कि कुत्ते कितने प्रकार के यानी कि विभिन्न प्रकार के आवाजों के निकाल सकता है जैसे कि 10 प्रकार के, जैसे कि आप लोग कभी देखे होंगे कि कुत्ते रोते हुए आवाज आ रहा है, कभी भूखते हुए आ रहा है, उसी प्रकार से 10 प्रकार के आवाज निकाल सकते हैं, लेकिन बिल्लियां उससे भी माहिर है, बिल्लियां 100 प्रकार के अपने आवाजों के निकाल सकती है, कभी देखते हुए रोते हुए है कभी बोलते हुए इसी प्रकार का 100 प्रकार के अपने आवाजों के निकाल सकती है। क्या आप जानते हैं कि बिल्लियां जैसे कि हमारे देश में कुत्ते अधिक पाले जाते हैं पोसे जाते हैं उसी प्रकार बिल्लियां सबसे अधिक किस देशों में पोसे जाते हैं पाले जाते हैं, मैं बता देना चाहता हूँ कि अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक बिल्लियां को पोसे जाते हैं, बाकी ऐसा देश नहीं है जहाँ पोसे जाते हैं, भारत तो इसे पोसते ही नहीं है, 10% ऐसे लोग होंगे जो इसे बिल्लियों का पालते हैं लेकिन उत्तर अमेरिका में। क्या आप जानते हैं जो कि पेड़ पर लगा हुआ रहता है मध का छाता यानी शहद का छाता लगा हुआ रहता है तो उस पे से यानी कि 2 से 3 दिन के अंदर में मधुमक्खियां सारे निकल कर किसी और के पेड़ों पर लग गए हैं और आपके पेड़ से खत्म हो चुके हैं और रस भी खत्म हो गया है, ऐसा इसलिए होता है कि जो मेन मेंबर रानी मधुमक्खी होता है वह मर जाती है और सारे को पता चलता है कि रानी मधुमक्खी खत्म हो गई है और नए मधुमक्खी को बनाने के लिए यानी कि मेंबर बनाने के लिए रानी मधुमक्खी को वह एक से दूसरे पेड़ पर लगाने के बाद ही रानी मधुमक्खी का चुनाव होता है जिसके कारण पेड़ से सारे मधुमक्खी उड़ कर दूसरे पेड़ पर लग जाते हैं, इसीलिए पेड़ के छाते के 2 से 3 दिन बाद खत्म हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं जो कि शहद होता है जिसे मध कहा जाता है वह चीनी के तुलना में बहुत अधिक मात्रा में मीठा होता है, बहुत अधिक मीठा लगता है, यहाँ क्यों मीठा लगता है, चीनी के बराबर क्यों नहीं लगता है, मैं बता देना चाहता हूँ कि चीनी जो होता है उसके तुलना में यानी कि शहद में अधिक मात्रा में फ्रुक्टोज पाया जाता है इसलिए वहाँ सबसे अधिक मीठा लगता है चीनी से, यानी कि 25% अधिक शहद मीठा लगता है चीनी से। क्या आप जानते हैं जो मध के छाते होते हैं उसमें सारे के सारे मधुमक्खी अंडे दिए हुए रहते हैं
यानी कि एक मधुमक्खी द्वारा क्या अंडे दिए जाते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि एकमात्र मधुमक्खी द्वारा सारे अंडे उसमें रहते हैं, वह है रानी मधुमक्खी के द्वारा। वह एक दिन में लगभग 2000 से अधिक अंडे देते हैं। उनका यानी रानी मधुमक्खी का जीवन काल 5 वर्ष रहता है और बाकी मधुमक्खी का मात्र 45 दिन जीवन काल रहता है। मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।